थोड़ा सा चलेगा, स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आवाज दिया फिर हटा देंगे, कट गया। देखिए दोस्तों, सेट ऑन हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ से जो ट्रैक करता है ना, ये सब में आता है दोस्तों, तो उसका जम्पर करना होगा बारीक से दोस्तों। सेट तो अभी ऑन हो जाएगा 100%। इस तरह भी काम होगा दोस्तों, लेकिन कस्टमर ज़्यादा टेढ़ा भेड़ा नहीं करेगा ना, बार बार बैटरी टेटरी नहीं खोलेगा, तो फिर आपका चलेगा, ये अच्छा दिन चल जाएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डिकी फिर रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाला है दोस्तों, ये जियो 220 है दोस्तों। देखिए प्रॉब्लम है, जैसे ही हम इसमें डीसी सप्लाई में लगाते हैं दोस्तों, तो ये कुछ रीडिंग स्टॉप हो जाता है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर भी इसमें नहीं होता है दोस्तों। पोर्ट तो बनाता है, देखिए दोस्तों इतना रीडिंग आके 40-41 स्टॉप हो जाता है। फिर खोलेंगे दोस्तों और फिर लगाएंगे, तो फिर से वही रीडिंग आएगा दोस्तों, और फिर स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। और आपको हम इसमें दिखाते हैं दोस्तों, ये मिनी डीसी सप्लाई में। देखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा चलेगा, स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों, जैसे ये पीसी में लगाते हैं ना, तो मतलब पोर्ट बनाता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आवाज थोड़ा, पिन मेरा प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, आवाज दिया फिर हटा देंगे, कट गया। फिर लगाएंगे दोस्तों, यानी पोर्ट बना रहा है दोस्तों, लेकिन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए पोर्ट बनाया, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा होके कट जाता है, तो इस तरह प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये वीडियो फुल देखिए दोस्तों, इसमें आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे दोस्तों, ये दिक्कत कहाँ से होता है दोस्तों। और ये ट्रिक भी आजमा के देख चुके हैं दोस्तों। देखिए जो यहाँ से 2.8 वोल्ट जो यहाँ के लिए जाता है, वो भी इसमें आ रहा है दोस्तों। और नहीं तो आप यहाँ से भी देख के ट्राई कर सकते हैं कि चालू होता है कि नहीं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों, वहाँ से भी मतलब सेट ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए अभी हम पावर की दाबेंगे दोस्तों यहाँ से लगा के, क्योंकि इस तरह भी काम होता है दोस्तों। देखिए रीडिंग लिया दोस्तों, अब पावर की हम दाबेंगे, देखिए दोस्तों वही स्टॉक होता है, यानी वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। हम दिखा देते हैं, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्तों, आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। देखिए 1.8 वोल्ट आया दोस्तों, और यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट, यहाँ दोस्तों यहाँ पर 2.8 वोल्ट, यानी सही है दोस्तों, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, ना सॉफ्टवेयर हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत भाई पावर आईसी में मतलब कुछ करना नहीं दोस्तों, इसमें पावर आईसी को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें जो दिक्कत रहता है दोस्तों, सीपीयू एएमसी का बीच में जो कनेक्शन रहता है, उसी का दिक्कत रहता है। तो एक बार आप ना दोस्तों ट्राई कीजिएगा कि सीपीयू को दोस्तों उसको एक बार दाब के चालू करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो आपका सेट हो सकता है ऑन हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दाब रहे हैं और सेट को ऑन कर रहे हैं, सॉरी, चलिए हम इधर से दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम दाब रहे हैं ये वाला को, यहाँ से दाब के देखिए दोस्तों, दाब के सेट कभी कभी ऑन हो जाता है दोस्तों। देखिए अभी ऑन नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन कभी कभी ना यहाँ मतलब दाब के हो जाता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर कोना पर एकदम अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, बस इस जगह दोस्तों थोड़ा सा दाब के सेट ऑन हो जाता है। चलिए हम इधर से आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम पावर की अभी नहीं दाबे हैं, यहाँ दाबते हैं दोस्तों, देखिए अभी नहीं हुआ दोस्तों, और कभी ना हो जाता है दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा जोर से दाबते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों सेट ऑन हुआ दोस्तों, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो फिर स्टॉप हो जाएगा। देखिए स्टॉप हो गया, ये अब वहीं पर रहेगा, ये खुलेगा भी नहीं, और फिर से बंद करके देखिए दोस्तों वही स्टॉप हो जाएगा। 30-40-41 में स्टॉप हो जाएगा, किसी किसी भाई का 50-60 भी स्टॉप हो जाएगा। तो यही दिक्कत है दोस्तों, इस गिरने से, या तो बहुत भाई जींस पहन के मतलब पॉकेट में रखता है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। तो इसको फिक्स करने के लिए दो ही ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन इसको ना पहले तो हीट करके थोड़ा सा गर्म करके देखिए दोस्तों, उससे सेट हो जाता है। लेकिन उसमें समस्या है दोस्तों कि कस्टमर का 2-3 दिन चल के 1 सप्ताह मतलब फिर प्रॉब्लम वही आ जाएगा। और इसको आईसी को मतलब उतार के रिवॉल्व करने जाइएगा दोस्तों, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी ट्रैक यहाँ पर कटा होगा दोस्तों। चलिए हम दिखाते हैं दूसरा बोर्ड में आपको दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ का रहता है ना ये सब, जैसे देखिए यहाँ भी कटा है दोस्तों, देख सकते हैं इसी तरह एक दो प्रिंट यहाँ का, इसमें भी डैमेज होगा, तो इसको उखाड़िएगा दोस्तों,
तो हो सकता है प्रिंट पहले से टूटा होगा और टूट जाएगा, तो दाबने जो सेट ऑन भी हो रहा है बाद में वो भी नहीं होगा दोस्तों। तो आपको यदि माइक्रोस्क्रूप है, माइक्रोस्क्रूप जो रहता है उससे आप जम्पर करिएगा वायरिंग सी, मतलब आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना होगा तब जाके ये सेट बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए पहले आप हीट करके ही कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो कस्टमर से डील कर लीजिए कि मतलब इस सेट डेड भी हो सकता है, नहीं तो कस्टमर यदि इधर उधर करके स्टार्ट करके आपको दिखाया कर दिया है और आपसे डेड हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम कर देगा दोस्तों। तो आप वो भी ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर ऑन करके उस तरह नहीं, कभी कोई होता है कस्टमर भी थोड़ा चालू रहता है दोस्तों तो चाँप के या तो टेढ़ा करके आपको चालू करके दिखाएगा, बोलेगा हमको पिन बदल दीजिए, मतलब बहुत कुछ होता है दोस्तों। और इस तरह आप मतलब मिस्त्री भाई फंस जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरफ से इशू है दोस्तों। तो आप इसको उतारिएगा नहीं, हीट करके या तो एक टेप रहता है दोस्तों उसको साट के उसके बाद इसका जो सील्ड रहता है उस दाब के कस्टमर को दे सकते हैं, या तो आपके पास माइक्रो स्क्रब है और अच्छी है, मतलब हाथ का स्किल है तो आप जम्पर कर सकते हैं। जो ट्रैक है दोस्तों ये माइक्रो स्क्रब से ही ज़्यादा दिखाएगा, देखिए यहाँ से जो ट्रैक कटता है ना ये सब में आता है दोस्तों, तो उसका जम्पर करना होगा बारीक सी। मेरा ये वीडियो है दोस्तों, मैंने जम्पर करके आपको एक सेट चालू भी किए हैं दोस्तों, पहले मेरा वीडियो आया हुआ तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो उस तरह आपको जम्पर करना हो तब फिर परमानेंट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए हम इसको हीट करके देखते हैं दोस्तों सेट ऑन होता है, ऐसे तो नहीं हो रहा है लेकिन दाबने से हो रहा है। तो आपके पास जब भी आए दोस्तों तो इस तरह आप ध्यान दीजिएगा कस्टमर से भी, क्योंकि वो चालू करके भी दे सकता है या तो आप हीट करके देखिए। कभी कभी हीट करने से बहुत दिन चलता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी कस्टमर का 8 दिन 10 दिन महीना दिन में मतलब ज़्यादा वो खोल खुलवार करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हीट कर लेते हैं दोस्तों मैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। और इसको दोस्तों हीट भी देना है थोड़ा अच्छा, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा देके, समझ जाइए कि आपका आईसी का मतलब बल्ब मतलब मिल्ड हो रहा है, मतलब गल रहा है, सोचिए तब उतना हीट कीजिए। थोड़ा सा हीट करने से नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप सीपीयू सेट नहीं देना है और डिस्प्ले को हो सकता है उतार ले या तो इधर कर लीजिए मेरे तरफ। देखिए दोस्तों ये सब हो सकता है बहुत भाई जानता होगा, बहुत भाई नहीं भी जानता होगा, तो जो जानता है तो वो स्किप कर सकता है, जो नहीं जानता है तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, इससे भी काम हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी पेस्ट और देंगे हम इसमें, आप पेस्ट कोई सा भी यूज कीजिए, दामी वाला होगा तो दामी वाला कीजिए, नहीं तो ज़्यादा करके हीट दीजिए दोस्तों इस साइड में, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा डैमेज होता है। चलिए दोस्तों हो गया, अभी थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देना दोस्तों। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों इसलिए थोड़ा जल्दीबाज कर रहा हूँ, बहुत ठंडा होने में एक मिनट आप छोड़ दीजिएगा, एक मिनट या तो पंखा से कर सकते हैं ठंडा दोस्तों। तो इसको इस तरह करके दोस्तों, एक इसमें भी सील्ड है तो हो सकता है आप इसको डबल करके मतलब इसको थोड़ा चापना मतलब रहना चाहिए, देखते हैं अभी सेट ऑन होता है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद हम इसको जुगाड़ कर लेंगे, हुआ तो बाद में रिवॉल्व भी कर देंगे दोस्तों, यदि ट्रैक कटा है तो ठीक है, नहीं तो उसका हम जुगाड़ कर लेंगे दोस्तों, आपको हम बता दिए सही। देखिए दोस्तों सेट तो अभी ऑन हो जाएगा 100%, इस तरह भी काम होगा दोस्तों, लेकिन कस्टमर ज़्यादा टेढ़ा भेड़ा नहीं करेगा ना, बार बार बैटरी टेटरी नहीं खोलेगा तो फिर आपका चलेगा, ये अच्छा दिन चल जाएगा आपका, 6 महीना साल भर भी चल सकता है। लेकिन अभी हीट है दोस्तों इसलिए शॉर्ट मतलब ऑफ हो जाता है, ये नहीं कि अभी चलेगा, ये जब तक टेढ़ा नहीं होगा तब तक ये तो चलेगा, क्योंकि वो तो मिल्ड हो गया है। आप हुआ तो रिवॉल्व करके भी देखिएगा, लेकिन वही रिक्स है थोड़ा, आप कस्टमर से डील कर लीजिएगा तो रिवॉल्व कीजिएगा, क्या है कि हो सकता है आपके पास दूसरा बोर्ड है तो आप तो रिक्स ले सकते हैं दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों, आप इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको ना ये जो रहता है इसको डबल करके उसके बाद इसको लगा दीजिए तो थोड़ा लॉन्ग चलेगा, मतलब जब ज़्यादा चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, तो मैं बाद में कर लूँगा इसको। देखिए अभी पूरा खुलेगा दोस्तों, मतलब पूरा ओके हो गया दोस्तों, ये नहीं कि ओके नहीं हुआ,
तो जब भी आपके पास इस तरह सेट आए दोस्तों, तो इस ट्रिक कर सकते, 320 220 दोनों में आजमा सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह ट्रिक इस चैनल में डालते रहता हूँ आप लोग के लिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।